बुखारा में एक आतिश परस्त रहता था। एक मर्तबा रमजान शरीफ में वो अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। उसके बेटे ने कोई चीज ऐलानिया तौर पर खानी शुरू कर दी। उस आतिश परस्त ने जब ये देखा तो अपने बेटे के मुंह पर एक तमाचा रसीद किया और खूब डांट कर कहा, तुझे रमजान मुबारक के महीने में मुसलमानों के बाजार में खाते हुए शर्म नहीं आती? लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान आप भी तो रमजान शरीफ में खाते हैं। वालिद ने कहा, मैं मुसलमानों के सामने नहीं अपने घर के अंदर छुपकर खाता हूँ, इस माह मुबारक की बेहुर्मती नहीं करता। कुछ अरसे के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में उसको जन्नत में टहलते हुए देखा तो हैरत से पूछा, तू तो मजूसी था, आतिश परस्त था, जन्नत में कैसे आ गया? कहने लगा, वाकई में मजूसी था, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एहतराम रमजान की बरकत से मुझे ईमान की दौलत से और मरने के बाद जन्नत से सरफराज फरमा दिया। एहतराम रमजान, ऐ रमजान में गुनाह करने वालों, ऐ रमजान में हराम कमाने वालों, ऐ माह रमजान में हराम देखने वालों, ऐ माह रमजान में हराम सुनने वालों, ऐ माह रमजान के रोजे ना रखने वालों, ऐ माह रमजान में भी नमाजें कजा करने वालों, अपने रब को क्या जवाब दोगे? अरे ये महीना तो रब की अता है, हम पर एहसान है हमारे रब का कि मेरे गुनाहगार बंदे बख्शे जाए, ये एक महीना इबादत कर ले मैं उनसे राजी हो जाऊं, वो ये रब की अता है, मगर फिर भी हम गुनाह करते हैं। सरकार में मुश्किल में हूँ।